हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल जीके एनजीएस अपडेट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के बारे में। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले आता है राजस्थान, यानी कि राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर पे आता है गुजरात, छठवें नंबर पे आता है कर्नाटक, सातवें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पे आता है उड़ीसा, नौवें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ और दसवें नंबर पे आता है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स देशों के नाम, इन राज्यों के नाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनके क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 342,239 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया या फिर बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। आगे फ्रेंड्स, हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश इज 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल 307,713 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि महाराष्ट्र इज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज 307,713 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,938 स्क्वायर किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश इज फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज 240,938 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पे आता है गुजरात, और गुजरात का कुल क्षेत्रफल 196,024 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं गुजरात इज फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ गुजरात इज 196,024 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो छठे नंबर पे आता है कर्नाटका, जिसका कुल क्षेत्रफल है 191,791 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कर्नाटका इज सिक्स लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ कर्नाटका इज 191,791 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, सातवें नंबर की अगर बात करें तो वह है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 162,972 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश सेवन्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज 1,32,972 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो वो है उड़ीसा, और उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल 155,707 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं उड़ीसा इज से एट्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ उड़ीसा इज 155,707 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, नवे नंबर की बात करें तो वह है तमिल छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 145,194 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ इज नाइन्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज 135,194 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, और हम बात करें लास्ट और आखिरी राज्य की, तो वह है तमिलनाडु, जिसका कुल क्षेत्रफल 130,085 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं तमिलनाडु इज लेस्ट 10th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एंड द टोटल एरिया ऑफ तमिलनाडु इज 130,050 स्क्वायर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आप पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।